में मेडिकल की कुल सीटें 50,000 थी, आज 1,08,000 सीटों पर इस वर्ष एडमिशन हुआ है 2024 में, यानी केवल 10 वर्षों में उतना काम करके दिखाया है जितना आप 65 वर्षों में नहीं कर सके। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कर ले, चाहे रेलवे की कर ले, चाहे सिविल एविएशन की कर ले, और चाहे देश की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने की कर ले। और एक काल याद करिए आप, वो जब देश में हर जगह कहीं ना कहीं विस्फोट और हमले हुआ करते थे, आज देश के लोग एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो आप इस बात की कल्पना करिए कि जो बदलाव आया है आम आदमी के जीवन में, किस तरह 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उन लोगों को ये पता है कि ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आया है। और आप जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो नैरेटिव काम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए आज आप के एक मध्य प्रदेश में खासतौर से मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तो चुनौती के रूप में भी कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा होता कि आप व्यवहारिक और वास्तविक जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ते और कम से कम मध्य प्रदेश के लोगों को एक ऐसा वातावरण तो देते कि वो आपको च्वाइस कर सकें। मगर ये निगेटिव पॉलिटिक्स के चक्कर में आपने मतदाता को उससे भी वंचित रखा है। और आपने एक बात और कहूंगा कि आप याद करिए कि आपने तो ये कहा था कि कम मतदान होने से कांग्रेस को फायदा होता है, तो आपका मतदाता और कार्यकर्ता दोनों घर चले गए कि अपन को मतदान कम रखना है। ये निगेटिव लोकतंत्र की तरफ आप जिस तरफ जाना चाहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पॉजिटिव जवाब लेते हैं साहू जी, सकारात्मक चर्चा करिए। देखिए लोया जी ने सबसे पहले बात की अपने बच्चों को सेटल करने की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जय शाह जो अमित शाह के पुत्र हैं उन्होंने एक मिनट लौटूंगी आपके पास साहू जी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, छत्तीसगढ़ में 66.87% वोटिंग हुआ है। अब 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 62.28% वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आया है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। एमपी में 62.28% 66.87% वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। ये लेटेस्ट अपडेट 5 बजे तक के ये आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे हैं। जी साहू जी, बात कंटिन्यू कीजिए। मैं यही कह रहा था कि जय शाह, ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा था इनसे कि जय शाह ने कब बैट और बॉल पकड़ी थी जो उन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। बृजभूषण शरण सिंह जिन्होंने पहलवान बेटियों के साथ गैर इरादन किस तरीके से उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, उनके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, बेटियां सड़कों पर रोती रहीं, उनके बेटे को आपने टिकट दे करके महिमा मंडन करने का काम किया। प्रज्वल रवन्ना की बात मैंने पहले की, मध्य प्रदेश से आते हैं लोया जी, आईसीआईसीआई का उसका ध्रुव सक्सेना इनके आईटी सेल का आतंकी था, जो इनके ध्रुव सक्सेना जो था इनके आईटी सेल के लिए काम किया करता था। तो ये हमको किसी तरीके की नसीहत ना दें। आज देश जिस स्थान पर है, इसको अगर ये गर्त पर जा रहा है देश, इसको देश की जनता देख रही है। आपकी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है, मोदी की गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने की बात की थी, आज आपकी सरकार बने हुए 4 महीने हो गए हैं, किसान राह देख रहा है कि कब उसके खाते में पैसे आएंगे। खाते खुलवा देने से आदमी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ जाता। मनरेगा को आपने कहा था कि ये कांग्रेस के विफलता का स्मारक है, लेकिन वही मनरेगा जो कांग्रेस की नीति थी, जो कांग्रेस वो कानून बना करके लाई थी, वही जो मनरेगा था उसने कोविड काल में मजदूरों के पेट भरने का काम किया। हमने मनरेगा के मजदूरों को पैसा ज़्यादा देने की बात की है, महिलाओं को ज़्यादा पैसा देने की बात की है, किसानों के जेब में पैसा डाल करके उनकी आय दुगनी करने की बात की है। हम इस देश के हर एक आदमी की भागीदारी सरकार में सुनिश्चित करने की बात की है, आपकी तरह नहीं कि अडानी के जहाज का इस्तेमाल करते करते आप उसके गुलाम हो गए और उसके 16 लाख करोड़ रुपए इस देश के टैक्स पेयर का पैसा आपने उसे माफ कर दिया। आपको अगर ऐसा लगता है कि गोलमोल आंकड़े, आपने एम्स की बात की, वो जितने एम्स को आप गिना रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी देखिए, वहां पर तो ब्रजगोपाल जी आंकड़ों की कलाकारी करते हैं, बता देता हूँ भूल गई है लोग आज मतदान कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, मतदान कर रहे हैं, शायद ये वो बेटियां भी होंगी
शायद ये वो बेटियां भी होंगी, आपको याद होगा, सिलेक्टिव मत बनिए, हर बेटी का सम्मान रखना सरकारों की जिम्मेवारी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, परंतु क्या आप सिलेक्टिव बनेंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बेटियों का अपमान मुद्दा है, और यदि कांग्रेस या आपके इंडिया अलायंस की सरकार है तो बेटियों का अपमान कोई मुद्दा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, यदि इस देश में एक भी बेटी के साथ कोई अपराध होता है तो निंदनीय है, घृणित है और उसको सजा होनी चाहिए, परंतु आप तो इसमें भी सिलेक्टिव है। किस तरह से राधिका खेड़ा जी लगातार 3 दिन से सुनिए ना क्या क्या कह रही है, वो आपके भीतर से आई है वो बहन, वो बाहर से नहीं आई है, वो सुनिए पूरे मीडिया में क्या क्या बता रही है, कि किस तरह शराब परोसने का काम न्याय यात्रा के दौरान हो रहा था, यही न्याय देने निकले थे आप। एक बात और कहता हूं, अभी आप कह रहे थे कि मनरेगा, मनरेगा में हमने जो पैसा और उसकी नीति को बदलने का काम किया है वो प्रभावशाली बनी है, और यदि आपने उसका सही से उसका वास्तव में पालन किया होता तो आप छत्तीसगढ़ से भी ना भगाए गए होते और ना देश की राजनीति से बाहर होते। किस तरह हुए, अब आप कह रहे हैं कि 65 वर्ष शासन करने वाली पार्टी आज लोगों की गरीबी की चिंता कर रही है, 65 वर्ष शासन करने वाली पार्टी आज महंगाई की और बेरोजगारी की चिंता कर रही है, ये देश की जनता देख रही है कि जिसने इस देश को गर्त में ढकेला वही आज फिर रूप बदल कर आ रहे हैं। ये रूप बदलना अब जनता पहचान चुकी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया, मीडिया का युग है, इसमें लोगों के पास सारी सूचनाएं हैं, अब छुपाने का किसी के पास कुछ नहीं है। आज जो सत्य है वह सत्य है, कांग्रेस पार्टी के पास ना तो कोई सत्य है ना कोई तथ्य है, केवल मुंह चलाना और उसको उछाल देना, इससे मुद्दे तय नहीं होते हैं, मुद्दे वो तय होते हैं जिनको जनता स्वयं अनुभव भी करती है। आज देश का 80 करोड़ लोग अनुभव कर रहा है कि उसकी थाली में अन्न कैसे आता है। बीजेपी सरकार की योजनाओं से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, ये बीजेपी की उपलब्धि है, ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से केवल अडानी और अंबानी को लाभ हो रहा है, इसके अलावा देश के किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं हो रहा है। ये आंकड़ों का जिस तरीके का खेल खेला करते हैं, निश्चित तौर पर ये बोलने के लिए अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड में जब आप जाकर के देखेंगे लोगों की स्थिति बस से बदतर हो रही है। 75 लाख लोग जो है नौकरियां छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। ये स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें केंद्र सरकार का क्या योगदान है? आपने केवल अपने पूंजीपति मित्रों में पास काम किया है, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। आपने राधिका खेरा के बारे में प्रश्न खड़ा किया, आपने राधिका खेरा के बारे में जो बातें कही है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। ये राधिका खेरा किसके स्क्रिप्ट पर बात कर रही थी, किसके कहने पर इस तरीके के आरोप लगा रही थी? और ये सब कुछ आपको पार्टी छोड़कर जाने के बाद ही क्यों कहते हैं अजय साहू जी? पार्टी में जाने जब तक वो पार्टी के अंदर थी, जब तक वो पार्टी के अंदर थी, दायित्व के साथ छत्तीसगढ़ आई थी कि नहीं आई थी? कहीं ना कहीं हमारे मुझे लगता है कि नेगेटिव अप्रोच से बाहर निकलकर थोड़ा हमें बात करनी चाहिए पॉजिटिव साइड की भी। वोटिंग परसेंटेज जो अब तक निकलकर सामने आ रहा है, अजय साहू जी किस तरह से देख रहे हैं आप उसे, कांग्रेस के लिए क्या कहता है ये वोटिंग परसेंटेज? निश्चित तौर पर जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है वो ये दिखाता है कि इस देश में परिवर्तन की बयार बह रही है, और जो सरकार सत्तासीन है उसके खिलाफ लोगों ने घर से निकल करके वोट किया है, लोगों को कांग्रेस पार्टी की गारंटी पे भरोसा है, लोगों को राहुल गांधी के दूरदर्शिता पे भरोसा है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही कहा था जिस समय लोग कोविड का टीका लेकर के आए थे और ये उसका महिमा मंडन कर रहे थे, उस समय भी राहुल गांधी जी ने सचेत किया था। और आज आप देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉल फंड के नाम पर चंदा लेने के लिए लोगों की, देश के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से चंदा लिया है और बीफ का निर्यात करने, गौ माता की सेवा की बात करती है, बीफ निर्यातक लोगों से 250 करोड़ का चंदा लेने में सर नहीं आती। वोटिंग ब्रजगोपाल लोया जी वो तो बोल रहे हैं कि जनता में उत्साह दिख रहा है, वो कांग्रेस के पक्ष में है वो उत्साह, और सरकार को लेकर निराशा है, तभी वोट देने पहुंचती जनता। देखिए ये वही लोग है ना जो कल तक ये कह रहे थे कि मतदान कम इसलिए हुआ कि जनता में उत्साह नहीं है, आज कह रहे हैं उत्साह है। और मैं दोनों चरणों के, पुराने और आज के चरण की बात कर रहा हूं, इसमें कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। छत्तीसगढ़ की 11 और मध्य प्रदेश की 29 सीटें
भारतीय जनता पार्टी बेहतर बहुमत से जीतने जा रही है। 4 जून बहुत दूर नहीं है, सच को छुपाया नहीं जा सकता, थोड़ी देर उसे ढाका जा सकता है, वो समय भी आपका समाप्त होने वाला है। मगर मैं एक बड़ा विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि देश के अच्छे लोकतंत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम रहेंगे नहीं रहेंगे परंतु इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी जिन लोगों के साथ है, वो दोनों लोग जहां जहां हैं इस दुनिया में वहां लोकतंत्र नहीं है। आप याद रखिएगा कि जहां जहां दुनिया में मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट हैं वहां लोकतंत्र नहीं है, और जहां जहां कम्युनिस्ट डोमिनेटेड स्टेट हैं वहां भी लोकतंत्र नहीं है। इस देश के लोकतंत्र को सबसे पहले रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। हो सकता है कभी आपको लाभ कभी हमें हो जाए, परंतु क्या उसके लिए आप लोकतंत्र का मखौल उड़ाएंगे? क्या उसके लिए लोगों को मतदान करने के प्रति हतोत्साहित करेंगे? ये जो दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी को बहुत आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और एक बात और कह रहे थे कि राधिका खेड़ा जी ने क्या कहा, केवल एक बहन नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जो आपकी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए, जो कोर कमेटी में हुआ करते थे, और सभी का आरोप एक ही है, अयोग्य नेतृत्व। उस अयोग्य नेतृत्व को बचाने के चक्कर में कांग्रेस स्वयं समाप्त हो गई, परंतु उस अयोग्य नेतृत्व का बचाव आज भी जारी है, और यही देश की राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई राजनीतिक दल अपने एक नेता की अयोग्यता छुपाने के लिए इतनी कुर्बानियां दे सकता है कि उसका पूरा क्वार्टर समाप्त हो जाए। परंतु छद्म मुद्दे, और एक और कहूं, जो अजय जी अभी कह रहे थे कि गारंटी में भरोसा है, याद करिए इस बार आप 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का कह रहे हैं, 2019 में भी राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपए साल का कहा था, परंतु देश की जनता ने तब भी विश्वास नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी जी अपनी विश्वसनीयता जनता में खो चुके हैं। और राजनीति में सबसे पहली आवश्यकता होती है नेता की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी, और कांग्रेस पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। ये घोषणाएं कुछ भी करें मगर जनता जानती है कि ये जब सरकार में होते हैं तब किन के लिए काम करते हैं, और सरकार में नहीं होते हैं तब किस तरह से वोट हथियाना चाहते हैं, जाति और धर्म में बांटकर वोट प्राप्त करने की कोशिश, परंतु जब सरकार में आएंगे तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ये देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है, और उसी आधार पर वो कांग्रेस को सबक सिखाने का काम कर। अजय साहू जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वोट जिहाद या फिर राम राज्य। वोट जिहाद क्या है और राम राज्य क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। राम राज्य इस देश में दिख नहीं रहा है, और वोट जिहाद क्या है ये प्रधानमंत्री जी ही बता पाएंगे। ये जो चीजें हैं ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक हैं। क्या प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के भाषणों में इस तरीके की शब्दावली का होना उचित है? क्या वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? क्या वो जैनों के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या वो मुस्लिमों के प्रधानमंत्री नहीं है? तो इस तरीके से लोगों को बांट करके डिवाइड एंड रूल करने का काम एक बार इस देश में किसी ने किया था, और अब ये फिर भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसका बहुत नुकसान होगा, और भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए इस देश का कितना भी बड़ा नुकसान कर सकती है इसको इस देश की जनता ने देखा है। मेरे काबिल मित्र कह रहे थे अभी, लोया जी 65 वर्षों से जिसने राज किया, तो क्या आप ये मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार नहीं, ठीक है, लौटूंगी आप दोनों के पास ही, रुक जाइए। हाँ, लौट रही हूँ सर, आप दोनों के पास ही लौट रही हूँ, लेकिन धार से पहले बता देते हैं। यहाँ पर पीएम मोदी की जनसभा थी, जहां पर डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि धार की आम सभा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जो उत्साह है वो मोदी जी पर विश्वास का है। और क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। जगदीश देवड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री खरगोन आए, धार आए, जबरदस्त उत्साह देखने को मिला लोगों के बीच में, और प्रधानमंत्री जी ने आज कांग्रेस पे जमकर निशाना भी साधा। आज धार की आम सभा में अपार उत्साह था जनता में, कार्यकर्ताओं में, और अटूट विश्वास व्यक्त किया जनता ने मोदी जी के प्रति। और निश्चित रूप से आम सभा मुझे लगता है कि बहुत ही सफल रही। पलक पावड़े बिछा करके लोग तैयार थे आने के बाद, उन्होंने पूरा वातावरण मोदीमय हो गया। मोदी मोदी और मोदी जी की गारंटी उन्होंने दी है, और निश्चित रूप से धार लोकसभा भी और हमारी रतलाम झाबुआ लोकसभा भी, जहां आज उनका दोनों जगह आम सभा हुई है, बहुत प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे, और दो नहीं पूरी 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तुष्टिकरण की बात प्रधानमंत्री जी ने कही, कहे कि वो खेल खेल रहे हैं। सही बात है, कांग्रेस SC ST OBC इनके आरक्षण को
मुस्लिमों को देना चाहती है, उन्हें कहा खुले रूप में कहा, तो ये वास्तव में क्या कर रही है कांग्रेस? और कांग्रेस आरक्षण की बात भी करती है, इन वर्गों की हित की बात भी करती है, और कश्मीर में धारा 370 कौन है उसको लगाने वाला? यही कांग्रेस के लोग जिनने धारा 370 वहां पर स्थापित की, लगाई, और उसी के कारण दलित वर्ग को वहां पर लंबे समय तक आरक्षण नहीं मिला। इसका दोषी कौन है? कांग्रेस से। 9 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, दिग्विजय सिंह भी इसमें मैदान में, क्या लगता है 9 आज जो लोकसभा सीट इस पर? सब कांग्रेस के लोग धराशायी होंगे, उनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए वो लोग विचलित हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह के लिए क्या कहेंगे? ये थे डिप्टी सीएम जिन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अब कहीं नजर नहीं आ रही है, और मोदी ने जो सभा की है धार और खरगोन में, उसके बाद इन क्षेत्रों में इसका काफी असर भी रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट डेलिस साथ में गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। राजगढ़ लोकसभा सीट पर वोटिंग जारी है, दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से न्यूज 18 की टीम ने बात की, सुनिए। प्रदेश में तीसरे चरण का इलेक्शन चल रहा है, राजगढ़ में अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं, लगातार हर बूथ तक पहुंचने की आपकी कोशिश रही है, कैसा रुझान जनता के बीच है? अच्छा है, बहुत सकारात्मक है जी। सर, कितने आश्वस्त हैं कि इस बार जो परिणाम है लंबे अरसे बाद कांग्रेस के पक्ष में आएंगे राजगढ़ में? लगता है मुझे। सर, मोदी जी आए वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस का एक्सरे करा, वो एक धर्म विशेष को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं जैसे कर्नाटक में दे दिया। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि विश्व में कोई नहीं बोलता होगा। सर, बहुत सारी गारंटियों की बात उन्होंने की, लेकिन आपने सामाजिक न्याय की बात की, युवाओं को रोजगार की बात की, महिलाओं को न्याय की, सशक्तिकरण की बात की, ये मैसेज पब्लिक तक डिलीवर हुआ है सर? निश्चित हुआ है, लेकिन मोदी जी की कौन सी गारंटी आज तक पूरी हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो सर, इस बार ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में इंडिया जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया, एक तरीके का ऐसा प्रयास रहा जो इससे पहले नहीं देखने को मिला इतने बड़े पैमाने पे, तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सर उसके निश्चित आएंगे। ठीक, दिग्विजय सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने दावा किया है कि अच्छे रिजल्ट्स, बेहतर परिणाम जो है वो आने वाले समय में आएंगे, और उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटियों पर अब जनता को भरोसा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं, डोर टू डोर प्रचार भी किया है, और अब उम्मीद कर रहे हैं कि नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। हालांकि नतीजे हर कोई अपने अपने पक्ष में होने का दावा भी कर रहा है। ब्रजगोपाल लोया हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस साहू भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार हर तस्वीर, हर हलचल आपको मिलती रहेगी, देखते रहिए न्यूज 18।